नमस्कार, आपके साथ मैं रोहित कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। बीजेपी ने नीतीश कुमार को साथ लेकर के बिहार की राजनीति पे मुकेश सहनी को जो है चौराहे पे खड़ा कर दिया है, सड़क पर ला दिए गए हैं मुकेश सहनी। और ऐसे में मुकेश सहनी का क्या बदलापुर पूरा हो पाएगा, क्या है पूरी स्टोरी, देखिए इस रिपोर्ट में। जदयू ने मिलकर मुकेश सहनी को राजनीति के हाशिए पर ला दिया है। अब सहनी बिहार की राजनीति में सत्ता पक्ष से बदला लेने वाले किरदार की तरह दिख रहे हैं। बदला लेने के लिए उनके पास सबसे ताजा हालात बोचहा में है। बोचहा में उपचुनाव हो रहा है और वीआईपी की सीट से विधानसभा चुनाव साल 2020 में जीत कर गए मुसाफिर पासवान वहां से चुनाव जीते थे। उनके निधन के बाद अमर पासवान की दावेदारी बनती थी, लेकिन भाजपा ने वहां से बीबी कुमारी को टिकट दे दिया और अमर पासवान तेजस्वी यादव के शरण में जाकर के राजद के उम्मीदवार बन गए हैं। सहनी ने अपनी पार्टी वीआईपी का टिकट राजद के वरिष्ठ नेता रमई राम की बेटी गीता कुमारी को दे दिया। सवाल यह है कि क्या गीता देवी इतना वोट ला पाएंगी कि वह चुनाव जीत पाए, सहनी को सोचने के लिए यह बड़ा सवाल है। और इसके सही उत्तर से अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना सहनी भाजपा जदयू से बदला ले सकती है। सहनी को उम्मीद थी कि नीतीश कुमार उनका मंत्री पद बचा लेंगे, जैसे चिराग पासवान को उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी उन्हें पुरस्कार स्वरूप केंद्र में मंत्री बना जरूर देंगे। दोनों ही गच्चा खा गए, दोनों इस्तेमाल किए गए, दोनों भाजपा और जदयू के बीच की राजनीति के शिकार हो गए। बोचहा में अभी के समय में भाजपा की बीबी देवी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, लेकिन सहनी की राजनीति भंवर में है। वे चाहें तो भंवर से निकल सकते हैं, लेकिन यह उनके विवेक पर निर्भर करेगा। सहनी की पार्टी कुछ वोट पाकर संतुष्ट हो जाना चाहती है या भाजपा की बीबी कुमारी को हराने की रणनीति बना रही है, यह सहनी को तय करना है। बोचहा में सहनी मुस्लिम के साथ ही भूमिहार और यादव जाति का वोट बैंक मजबूत है। भूमिहार वोट बैंक इसलिए बढ़ सकता है क्योंकि राजद ने मुजफ्फरपुर में एमएलसी प्रत्याशी के रूप में एक दबंग भूमिहार शंभू सिंह को टिकट दिया है। बात सहानुभूति लहर वाले वोट की है तो यहां पर अमर पासवान को वो जाएगा, लेकिन कहां यह जा रहा है कि सहानुभूति लहर की समझ अगड़ी जाति में ज़्यादा होती है, पिछड़ी जातियों में यह कम होती है। राजद के सामने चुनौती है कि वह सहानुभूति वोट बैंक को कैसे अपनी तरफ लाती है। राजद के वरिष्ठ नेता शिवानंद तिवारी की अगर माने तो भाजपा के इशारे पर नीतीश कुमार ने मुकेश सहनी की राजनीतिक हत्या की है। बोचहा में अपना उम्मीदवार वापस लेकर सहनी को राजद के उम्मीदवार का समर्थन करना चाहिए। हालांकि सहनी के लिए उम्मीदवार वापस लेना आसान नहीं होगा, लेकिन सहनी पर्दे के पीछे से कोई खेल खेलते हैं इसका इंतजार सभी को है। यूपी में और बिहार में भाजपा के खिलाफ उम्मीदवार देकर सहनी ने बड़ा फैसला लेने की ताकत दिखा चुके हैं वो, या किसके बल पर उन्होंने ऐसा किया भाजपा को भी मालूम है। ऐसे में वीआईपी पार्टी मानती है कि वो जीत रही है। 30 साल के विकास की हालत यह है कि अच्छी सड़क भी नहीं है बोचहा में। बीजेपी जदयू के बीच के रिश्तों की ओर इशारा करते हुए वीआईपी पार्टी ने यह साफ इशारा किया है कि हम आगे बढ़ेंगे, पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं है। बड़ी बात यह है कि ज़्यादातर बार सहनी से जुड़े मीडिया के सवालों पर जदयू के प्रवक्ता बोलने से बचते हैं और सहनी भी नीतीश कुमार के खिलाफ बोलने से बचते हैं। यह अंदर की राजनीति बड़ा गुल खिला सकती है। देखना होगा कि बिहार में क्या होने वाला है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।